प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं और 12वीं विषय के अंग्रेजी विषय के पेपर में आने वाली पूरी की पूरी ग्रामर और इसके सॉल्यूशन को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से कक्षा 11वीं और 12वीं के अंग्रेजी के पेपर में आने वाली पूरी ग्रामर का सॉल्यूशन यहाँ से देखने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है हमारा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलेगा, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं और 12वीं में अंग्रेजी में ग्रामर क्या क्या पूछी जाएगी। इस वीडियो को आप सभी लोग पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपकी आपके पेपर में क्वेश्चन आंसर को छोड़ के जितनी भी समस्त ग्रामर आने वाली है उस सभी का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। जैसे कि आपकी एप्लीकेशन ले लो या आपके बाकी की चीज़ें जैसे डू एज डायरेक्टेड ले लो या फिर आपके फिलिंदा ब्लैंक्स ले लो, उन सभी का सॉल्यूशन आज मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो चलेगा, वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और समझते हैं कि आपके त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं और 12वीं में ग्रामर कितनी पूछी जाएगी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आप सभी की कक्षा 11वीं और 12वीं की आपकी पूरी की पूरी ग्रामर का सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगा कि कक्षा 11वीं और 12वीं का जो आपका पेपर होगा उसके क्वेश्चन नंबर 2 में आपको नोट मेकिंग समरी देखने को मिलेगी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नोट मेकिंग समरी आप लोग कैसे सीखोगे, इसके लिए आपको इस वीडियो के अंत में एक एंड स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग नोट मेकिंग समरी को बनाना सीख सकते हो। अब इसके बाद में बाकी के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा आपका, उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, उसमें आपसे एडवर्टाइजमेंट पूछा जाएगा, इसके बाद में फिर आपसे पोस्टर मेकिंग उसी में पूछा जाएगा और फिर नोटिस भी आपसे उसी में पूछा जाएगा। ये 3 टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। और यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, अगर आप 3 टॉपिक में से भी कोई भी 2 तैयार कर लेते हो तो आप इसमें आसानी से पास हो जाओगे। तो देखिएगा, ये एक एडवर्टाइजमेंट है जो कि फोर सेल के ऊपर है, यानी कि आपके पास में कोई पुराना सामान है उसको आपको बेचने के लिए एक विज्ञापन तैयार करना है। तो विज्ञापन कुछ इस प्रकार से आपको लिख लेना प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा फोर सेल और इस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा इसका पैराग्राफ लिख दें। जैसे कि आपने भी देखा होगा दैनिक जो न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों को बेचने के लिए विज्ञापन दिए जाते हैं, उसी प्रकार का आपको एक विज्ञापन तैयार करना होगा। वॉशिंग मशीन मॉडल नंबर लिख देना, TC और ये इसकी तारीख लिखी गई है, ये मॉडल है, वाइट कलर है, एक्सेलेंट कंडीशन है, फुल ऑटोमेटिक है, अंडर वारंटी है और ओनर गोइंग एब्रॉड, क्योंकि ओनर जो है विदेश जा रहा है इस वजह से इसको बेच रहा है। कॉन्टैक्ट KL शर्मा और यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर आपको दे देना है। तो आप सभी लोग फोर सेल का जो एडवर्टाइजमेंट है इसको तो अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पेपर में पूछा जाएगा। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो एक टू लेट का भी आप लोग कंप्लीट कर लें, ये भी वेरी वेरी मोस्ट IMP है, आप सभी लोग इसको भी देख लें। टू लेट यानी कि किराए पर देने के लिए कई कई बार आपको अखबार में विज्ञापन देखने को मिलते हैं और उसी प्रकार से ये आपसे कक्षा 11वीं और 12वीं में आपसे परीक्षा में भी पूछा जाता है। त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के लिए वेरी मोस्ट है आप सभी के लिए टू लेट का एडवर्टाइजमेंट। तो देखिएगा इसको कैसे आपको प्रिपेयर करना होगा, यहाँ पर लिख देना है ऑफिस शॉप गोडाउन बिल्डिंग फ्लैट ऑफ डिफरेंट साइज रेडिली अवेलेबल इन डिफरेंट प्रेजेंट प्रेस्टिजियस और लोकेशन विद ऑल मॉडर्न एमिनिटीज इन भोपाल। तो देखिएगा रेंट नेगोटिबल मॉडर्न कंस्ट्रक्शन और यहाँ पर आपको इस प्रकार से पूरा लिख देना है। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग टू लेट का भी पूरा का पूरा विज्ञापन अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगर आप लोगों ने एक तैयार कर लिया तो आपको सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका पोस्टर मेकिंग है। पोस्टर मेकिंग आपको कैसे तैयार करना होगा यहाँ से आप लोग देख लेंगे। पोस्टर मेकिंग के लिए आप लोग ये करें, एक तो ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लें, डिजाइन ए ड्राफ्ट पोस्टर अपीलिंग द पुलिस डोंट बी क्रूअल एनिमल, यानी कि डोंट बी क्रूअल एनिमल, जानवरों के प्रति दुर्व्यवहार ना किया जाए, इसके ऊपर आपको एक पोस्टर बनाना होगा। तो देखिएगा पोस्टर किस प्रकार से बना लोगे आप, यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा डोंट बी क्रूअल एनिमल अच्छे से बड़े शब्दों में, और उसके बाद में अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर कुछ जानवर भी बना सकते हो, और अगर आप लोग जानवर नहीं बनाना चाहते हो या आपके लिए अटपटा लगता है तो इसको बिल्कुल हटा दें, कोई दिक्कत नहीं, तो भी आपको पूरा ही नंबर मिलेगा। और उसके बाद में एक साइड में आपको क्या लिख देना है, लव देम फीड देम और शेल्टर देम, इसके बाद में थोड़ा सा इस तरह से तिरछा करके आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर आपको लिख देना क्या लिखोगे, वी नीड देम मोर देन दे नीड अस, यानी कि उन्हें हमारी ज़रूरत है और हमको उनकी ज़रूरत है। उसके बाद में नीचे लिखा सेव एनिमल्स, यानी कि जानवरों को बचाओ, सेव द अर्थ, तो जानवरों को बचाओ, धरती को बचाओ, ये इस तरह से आपको नारा यहाँ पर लिख देना है। और उसके नीचे देखिएगा क्या लिखा है,
कम जॉइन अवन क्रूसेड अगेंस्ट क्रुएलिटी टू एनिमल। तो इस प्रकार से आप लोग सेव एनिमल का पोस्टर या डोंट बी क्रूअल एनिमल का पोस्टर यहाँ से बनाना सीख लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आप सभी के लिए क्या लिखा है, डिजाइन एंड ड्राफ्ट ए पोस्टर टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री इन अवर लाइफ। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग सेव ट्री का पोस्टर बनाना सीख लेंगे। क्या लिखा गया है देख सकते हो यहाँ से, ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड, इस प्रकार से आपको यूँ लिख देना है। और एक साइड में आपको लिखना होगा ग्रो, और इसके बाद में मोर और ट्री, और दूसरी साइड में आपको लिख देना होगा ईच वन प्लांट फाइव, इस प्रकार से आप लोग लिख लें। और उसके बाद में देखिएगा बीच में हमने क्या लिखा, दे गिव अस, यानी कि पेड़ हमें देते हैं क्या क्या देते हैं, उन चीज़ों के नाम आप लोग यहाँ पे लिख दें। जैसे कि लिखा वुड, फूड एंड फ्रूट्स, सेड, मेडिसिन, रबर एंड गम, ऑक्सीजन, रेनफॉल, और उसके बाद में प्रिवेंट सॉइल इरोशन और प्रिवेंट फ्लड। और कैन यू इमेजिन यूर लाइफ विदाउट ट्री, क्या आप अपनी ज़िंदगी की पेड़ों के बिना कल्पना कर सकते हो, तो यहाँ पर लेकर सर्टेन ही लो, ग्रो मोर ट्रीज, कीप अवर प्लानेट ग्रीन। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिएगा एक ही बार में पूरा का पूरा पोस्टर में यहाँ से आपको बता देना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसको भी तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा ये आपको से नो टू ड्रग्स का पोस्टर दिया गया है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट है आप सभी के लिए, चाहे आप कक्षा 11वीं में पढ़ते हो या फिर कक्षा 12वीं के स्टूडेंट क्यों ना हो, आप सभी लोग इसको अंग्रेजी ग्रामर के लिए इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पूछी गई है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। डोंट यूज ड्रग्स, डोंट आर ड्रग्स आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, ड्रग्स डिस्ट्रॉय सोसाइटी फैमिली एंड वीकनेस द कंट्री, और ड्रग्स स्पॉइल्ड द कंट्री इकोनॉमी द कंट्री, इस प्रकार से आप सभी को इसको कंप्लीट कर लेना है। और इसके बाद में नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो आपसे नोटिस भी पूछे जाने हैं, मगर मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने एडवर्टाइजमेंट भी कंप्लीट कर लिए और पोस्टर भी आपने कंप्लीट कर लिए, तो इन दोनों से भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के अथवा में पूछी जाती है। और अगर आप लोग ये समझे कि नोटिस अगर आया तो उसके अथवा में आपको पोस्टर देखने को मिलेगा, या फिर उसके अथवा में आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा, या फिर आपको दोनों एक साथ ये भी देखने को मिल सकते हैं, आप सभी लोग इन दोनों चीज़ों को अच्छे से याद कर लेंगे। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2-3 के लिए तो मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए ऊपर, आप लोग इनको तैयार कर लें। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए आप लोग क्या देखोगे, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 की तैयारी के लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ से आप लोग देख लें। ये जो एप्लीकेशन दी गई है, राइट एन एप्लीकेशन टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम इम्पोर्टिंग ए रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ लाउड स्पीकर। तो यहाँ से आप लोग लाउड स्पीकर की पूरी एप्लीकेशन याद कर लेंगे, ये जो कि यहाँ पर लिखी गई है देख सकते हो, टू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट इंदौर MP। और इसके बाद में एन एप्लीकेशन फॉर पुट ए बैन फ्री यूज ऑफ लाउड स्पीकर। इसके बाद में आगे लिखा है, मोस्ट हम्बली आई बेग टू से दैट आई लिव इन महेश नगर एरिया, आई वॉन्ट टू ड्रॉ यूर काइंड अटेंशन। तो देखिएगा यहाँ से आपको ये नहीं लिखना है, जहाँ जहाँ पर मैंने लाइन अंडरलाइन कर रखी है इतना लिखना है, एक तो इतना लिखना है, और इसके बाद में ये वाली जो लाइन है ना, ये आपको हटा देनी है, आई वॉन्ट टू अटेंशन यूर मैटर इतना। इसके बाद में आपको आगे लिखना, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, आवर एग्जामिनेशन बिगिन ऑन 10th of March 2013, दिस इज मोस्ट वैल्यूएबल टाइम फॉर अस, बट सम पीपल कीप ऑन यूजिंग देयर लाउड स्पीकर टिल लेट एट नाइट, दिस ग्रेटली डिस्टर्ब अवर स्टडी। और इसके बाद में ये पूरा लिखना होगा आपको, ये पूरा का पूरा इस प्रकार से आप लोग लिख ले। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने आप सभी को लाउड स्पीकर की पूरी एप्लीकेशन बता दी है। अब इसके बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन आपके लिए TC की है। TC की एप्लीकेशन भी कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग यहाँ से TC की एप्लीकेशन को भी अच्छे से तैयार कर लेंगे पूरा का पूरा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा एक आपसे रिपोर्ट राइटिंग भी पूछी जाती है, रिपोर्ट राइटिंग के लिए आप लोग क्या कीजिएगा प्यार विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग NSSKM की रिपोर्ट राइटिंग को पूरा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ से आप लोग इसको तैयार कर ले अच्छे से, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और एक ये ए विजिट टू ए हिस्टोरिकल हॉस्पिटल, तो यहाँ से आप लोग इसको भी तैयार कर लें। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक मैंने आप सभी को आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। और अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कि पेसेज पूछा जाता है, और क्वेश्चन नंबर 5 का भी सॉल्यूशन जो आपको मैंने ऊपर बताया, ये इसी में आपसे पूछा जाता है, जैसे कि क्या कहते हैं इसको, NSSKM की रिपोर्ट राइटिंग वगैरह सारी चीज़ें। और इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, बाकी के जो आपके क्वेश्चन बचे हैं उनका सॉल्यूशन भी मैं बहुत ही जल्दी आपको देने वाला हूं। तो आप लोग इसके लिए ये करें, क्वेश्चन नंबर 1 की तैयारी के लिए आप ऐसा करें, इस वीडियो के अंत में आपको एक एंड स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, जो कि एक प्रश्न बैंक है कक्षा 12वीं की 2023-24 के लिए। तो उसमें से आप लोग ये करें कि उसमें से पेसेज मैंने बहुत अच्छे से हल करके बताया, तो आप लोग उन पेसेज को हल कर लें, उसमें से कोई ना कोई पेसेज आपको त्रैमासिक परीक्षाओं में देखने को जरूर मिल जाएगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।